गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है इट्स ए क्लास फॉर द रिटेल स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है रिटेल स्टूडेंट्स के लिए है और आज हमारा टॉपिक है कस्टमर मैनेजमेंट। तो आज हम समझेंगे कस्टमर मैनेजमेंट होता क्या है और किस तरह हम कस्टमर को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में क्या होता है कई सारे कस्टमर्स हमारे शॉप्स में हमारे मॉल्स में आते रहते हैं, तो किस तरह उनको कन्वेंस करें किसी बाइंग या सेलिंग करने के लिए और उनको सेल किस तरह कर पाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कस्टमर मैनेजमेंट होता क्या है मेनू के ऊपर। तो कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब हो गया कस्टमर को मैनेजमेंट करना है। नाम तो समझ में आ रहा है कि कस्टमर का मतलब क्या हो गया, कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर क्या है, किंग है मार्केट का, उसके बगैर तो कुछ काम होने का नहीं है। तो कस्टमर को हमें मैनेजमेंट करना है, मेंटेन करना है। तो कस्टमर मैनेजमेंट एक ऐसा काम है, इट इज ए प्रोसेस इन विच लॉट्स ऑफ थिंग्स आर नीडेड फॉर मेंटेनिंग द कस्टमर्स। कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा काम जिसके अंदर कस्टमर को मेंटेन किया जाता है, उसको मैनेजमेंटफुल किया जाता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन से हो, चाहे वो गाइडलाइन से हो, चाहे उसे सेटिस्फाई किया जाए किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। उसके अंदर सेटिस्फाई किस तरह किया जाएगा, उसको रीजनेबल प्राइस दिया जाए, सस्टेनेबल क्वालिटीज दी जाए और एक रीजनेबल प्राइस के साथ एक रीजनेबल रेंज दिया जाए क्वान्टिटी के साथ में, तो आदमी क्या होगा सेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर मैनेजमेंट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, इंफॉर्मेशन देना, गाइडलाइन देना और सेटिस्फैक्शन, तीनों चीज़ें दे सकते हैं। तीन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बने कस्टमर मैनेजमेंट। देखिए तीन चीज़ें, कस्टमर की कंप्लेंट क्या होती है, आप किसी शॉप में जाएंगे तो क्या होगा, आप उसकी बात को हैंडल नहीं कर पाएंगे, यानी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसकी बात को समझ नहीं पाते, पहली प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी चीज़ उसको गाइडलाइन नहीं दे पाते, तीसरी चीज़ उसे संतुष्ट नहीं कर पाते यानी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, चौथी चीज़ उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, क्योंकि 10 कस्टमर आ रहे हैं भाई तू आ जा तू आ जा, उसके बाद फिर जो एंड ऑफ द कस्टमर पड़ा हुआ है उसको आप रिस्पेंस नहीं देते, रिस्पेक्टेशन नहीं देते, उससे क्या होता है आपका कस्टमर वो डाउन हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो वो चार लोगों को और बताएगा, उससे आपकी सेल में टर्नओवर में आपका लेस देन होगा, डिक्रीजिंग होगा और बैक साइड आपको रिबेट ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा फॉर द मोटिवेशन ऑफ द सेल्स। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो कस्टमर मैनेजमेंट के लिए ये चार पांच कमियां हैं, तो इन चार पांच कमियों को सीधी कर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारी कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व आउट हो जाएंगी। हमेशा क्या करना है, कस्टमर को हैंडल करना है, कैसे, इन्फॉर्मेशन देकर, गाइडलाइन देकर, सेटिस्फाई करके, एक रिजनेबल प्राइस में एक क्वांटिटी को दे करके, और साथ में एक और चीज़ करनी, इन्फॉर्मेशन देनी है और उसे प्रेफरेंस देना है। ये सारी चीज़ करेंगे तो कस्टमर हमारा क्या होगा सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इस तरह हमारा कस्टमर मैनेजमेंट हो पाएगा। तो आज की वीडियो में था कस्टमर मैनेजमेंट और कस्टमर की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे हम उसको सेटिस्फाई कर पाएं। थैंक्स फॉर द क्लास।